आज के इस टाइम में जहाँ पर चारों तरफ लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनी हुई है, मुश्किल हो जाता है सभी लोगों को अपने डेली काम करने के लिए। और एक ही चीज़ सामने आ रही है जो कि है वर्क फ्रॉम होम। स्टूडेंट्स की स्टडीज़ हो या फिर हो डेली की ऑफिस मीटिंग्स, इन सभी कामों के लिए हम लोग ज़ोरों शोरों से काम में ले रहे हैं एक ऐप को जिसका कि नाम है जूम। बेसिकली ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसके थ्रू ग्रुप में लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जब से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आई है तब से ये ऐप बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंडिया में भी वर्ल्ड वाइड में भी। लेकिन बहुत सारे इसमें फ्लॉज वगैरह बताए जा रहे हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बताते हैं कि ये ऐप जो डेटा ब्रीच वगैरह करता है। और वैसे तो हम लोगों को यहाँ तक ये भी नहीं पता कि एक चाइनीज़ ऐप है या अमेरिकन ऐप है, इस पर भी इशूज़ चल रहे हैं। वैसे हमें इन पर बात नहीं करनी है। सो इसी चीज़ को जो है टैकल करने के लिए जियो लेके आ रहा है अपना एक बिल्कुल ही नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी नेक्स्ट लेवल ऐप होगा। पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये जो ऐप है इसका नाम जियो ने रखा है जियो मीट। ये एक जूम लाइक ऐप है, कम्पीट करेगा जूम के साथ और होंगे इसमें बहुत सारे कमाल कमाल के फीचर्स। चलिए जानते हैं उनके बारे में। ये जो ऐप है इसका बहुत ही तगड़ा फीचर है कि इस ऐप के थ्रू एक साथ 100 पार्टिसिपेंट्स ग्रुप वीडियो कॉल कर पाएंगे, एक साथ 100 लोग। ये जो ऐप है सभी प्लेटफॉर्म में अवेलेबल कराया जाएगा, चाहे वो iOS हो, एंड्रॉयड हो, यहाँ तक कि ये विंडोज और मैक OS जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी अवेलेबल होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, सभी लोग इसका यूज कर पाएंगे और फोन्स के साथ साथ PC वगैरह में भी इसका यूज किया जा सकेगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है इसके साथ कि ये जो है अगर आप इसको ऐप में यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, वैसे अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप इसको गूगल क्रोम या फायरफॉक्स जैसे वेब ब्राउजर्स के थ्रू भी एक्सेस कर पाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये फीचर है, बिना ऐप के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आता है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, ये जो है इंटीग्रेट होके आएगा जियो के ई हेल्थ प्लेटफॉर्म के साथ। मतलब कि इसकी हेल्प से क्या है, आप वर्चुअली डॉक्टर्स से प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह ले पाएंगे, उनसे डिस्कस कर पाएंगे अपने बारे में और यहाँ तक कि आप उसी ऐप के अंदर से अपने लिए मेडिसिन वगैरह हैं वो भी ऑर्डर कर पाएंगे। साथ ही आप ऑनलाइन ही लैब टेस्ट वगैरह भी बुक कर पाएंगे। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इस ऐप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। साथ ही ये ऐप ई एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इस ऐप के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं वो वर्चुअली क्लासरूम्स वगैरह क्रिएट कर पाएंगे, यहाँ तक कि जो सेशंस वगैरह होंगे लाइव सेशंस उनको हम लोग रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा ये फीचर है। यहाँ तक कि इस ऐप में मल्टीमीडिया कंटेंट होगा, प्री इंस्टॉल मल्टीमीडिया कंटेंट, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स है वो सेल्फ लर्निंग भी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है और इस तरह की चीज़ हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर बात कर लें इस ऐप के UI की, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस की, जियो के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पंकज पवार, इन्होंने बताया कि ये जो ऐप है बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज होगा, बहुत ही ज्यादा सिंपलिस्टिक और मिनिमिस्टिक इसका UI होगा और सभी लोग इसको बड़ी ही आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर पाएंगे। अगर बात करें इसके लॉन्च डेट की तो उन्होंने लॉन्च डेट वैसे क्लियर तो नहीं की है, लेकिन इतना उन्होंने बता दिया कि कुछ ही दिन बाद ये ऐप जरूर से लॉन्च हो जाएगा। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जरूर से ये ऐप हमें कुछ ही हफ्तों में देखने को मिल जाएगा। सो क्या आप इंतजार कर रहे हैं इस बहुत ही तगड़े ऐप का, आप मुझे कमेंट में जरूर से बताएं। अब बात करते हैं मेरे कुछ ओपिनियंस की। तो जूम तो जैसा कि हम सभी को पता है बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न उसमें डेली आ रहे थे, वो अपने एक्टिव यूजर्स को भी फेक बता रहे थे, बहुत सारी चीजें थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ऐप डिज़ाइन किया है जियो ने। आई होप कि जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही थी उन सबको ये शार्पली क्लियर कट कर देगा। और वैसे जियो का ऐप है, इंडियन ऐप है, तो हमें कोई चिंता की कोई बात होनी नहीं चाहिए। और वैसे आपके क्या ओपिनियन है इस ऐप के बारे में ज़रूर से मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। वीडियोस हम लोग आजकल रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।